हिमाचल पुलिस के मुताबिक ये जुर्म ब्रिज रोड शिमला के पास हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर मखीजा बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध आदमी की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास एक काले रंग का रेनकोट, काली टोपी और गाढ़े रंग के मफलर में देखा गया था। यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि भारी बारिश और तूफान के चलते सड़क हिमाचल पुलिस के मुताबिक ये जुर्म ब्रिज रोड शिमला के पास हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर मखीजा बताया जा रहा है।
पुलिस को एक संदिग्ध आदमी की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास एक काले रंग का रेनकोट, काली टोपी और गाढ़े रंग के मफलर में देखा गया था। यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि भारी बारिश और तूफान के चलते सड़क पर गाड़ी में सावधानी रखें, मौसम के और खराब होने की संभावनाएं बरकरार हैं। मौसम का मैं क्या कर सकती हूँ। लंदन में दिस वॉल्यूम डाउन।
इसी की है, तुम मुझे यहां से भगा नहीं सकते जब तक इस जगह मैं पूरी तरह से देख नहीं लेता हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा। मिसेस देवरा, मुझे मेरा कमरा दिखाइए। जी, उस तरफ। Thank you.
ये तो पूरी तरह से चीट करना हुआ। उन्होंने बताया कि टैंक पूरी तरह से नहीं जला है। हर चीज की एक शुरुआत होती है और वैसे भी वो औरत सब कुछ अकेले ही संभालती है। अकवास, उनके पास पूरा स्टाफ होना चाहिए। यहाँ आए पूरा एक दिन हो गया फिर भी रूम में अलग से हीटर रखती है। इसकी मैं अभी कंप्लेंट करूंगा। और वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता वो अच्छा वाला बेडरूम उस अजीब से लड़की को क्यों दिया। अरे भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अब इसमें इतना भी क्या फाइट करना। एडवर्टीजमेंट में तो बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि बड़ा रूम, राइटिंग रूम, डाइनिंग रूम। बुढ़ी औरतों वाले शौक है आपके इलाका में। मेरा मतलब आप सही कह रहे हैं। मैं पक्का यह ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगा। शेखर, शेखर पिछला दरवाजा जाम हो गया है, जरा देख लेना। आ रहा हूँ। मिस्टर शेखर, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इसी बहाने अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जी बिल्कुल आइए। एक्सरसाइज फुट फॉर हेल्थ। जी सॉरी सॉरी, इट्स ओके। देखा आपने इतनी बेटर टीम आया था। और बनाए तो मजा आ जाएगा। ये तो कोयले तक का इस्तेमाल ही नहीं करते, मेहमानों का किसी का ध्यान नहीं है। एक बात तुम यहाँ ज्यादा दिन तक रहोगे? विपिन कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है, जब हो जाएगा तो चला जाऊंगा। काम का है? शिमला में? नहीं, यही दलाऊ जी। यहाँ? हाँ। जितना मैं आपको
भी मुझे दिन का 1500 दे रहा है, फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है मुझे अपने गेस्ट पसंद आए या नहीं। यार तुम अभी बहुत ही छोटी हो और इनएक्सपीरियंस्ड हो, ये तो बड़े एडवाइजर से माना करो। सारी जानकारी कागजी तौर पर दुरुस्त रखनी चाहिए जिससे बाद में कानूनी प्रॉब्लम ना हो। आपसे ज्यादा कौन नहीं जान सकता है कानून के बारे में। क्या मतलब? आप पहले मजिस्ट्रेट थे ना। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो शंबर है ना उसका आना तय नहीं था। अटेंशन, आपने शैतान का नाम लिया और वो हाजिर है। बताइए सर क्या सेवा करूं? मैंने तुम्हें हाथों में सुना नहीं, मैं दबे पांव आया। अगर मैं ना चाहूं तो किसी को सुनने नहीं देता। मिसेस रोज आपके हस्बैंड कहां है? मैं बेसमेंट में पानी भर रहा हूं। ओ गॉड, पहले पुलिस और ये कई प्रॉब्लम। क्या कहा? पुलिस जी फोन आया था, कोई इंस्पेक्टर आने वाला है पूछताछ के लिए। लकड़ियां भी लगभग खत्म हो गई। क्या हुआ? पुलिस आने वाली है। क्यों? अरे आप फिकर मत कीजिए, बाहर का कदम है, सारा रास्ता जाम है, कोई नहीं आ सकता। Thank you.
इंस्पेक्टर उन दो बच्चों का क्या हुआ? दोनों में से बड़े लड़के को किसी अननोन इंसान ने अडॉप्ट कर लिया, अब वो गायब। छोटा लड़का लगभग 27 साल का हो गया, पहले वो आर्मी में गया लेकिन वहां से भी भाग गया। आर्मी में वो अजीब हरकत करता था, वहां के साइकियाट्रिस्ट का मानना था कि उसे शिज़ोफ्रेनिया बीमारी, मतलब वो अपनी ही बनाए दुनिया में रहता। तो आपको लगता है उसी ने ये मर्डर किया है? जी हाँ। यही तो मैं जानना चाहता हूं, जैसा एसपी सर मानते हैं कोई कनेक्शन तो होगा। मिस्टर शेखर, आपका कहना है कि आपका चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से कोई रिलेशन नहीं, सही? जी हाँ सही। और आपका भी मैडम? हाँ नहीं, मेरा मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ के नौकर होगा क्या? हमारे यहाँ नौकर नहीं है, मुझे किचन में कुछ काम है, क्या मैं जा सकती हूँ? बेशक। आप रुकिए मिस्टर शेख, क्या मैं आप सभी के नाम जान सकता हूँ? देखिए, हम एक होटल में हैं, चलिए आए हैं, हमारा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर, आपने यहाँ आने की प्लानिंग और बुकिंग बहुत पहले से करवाई है। जी जी बिल्कुल, सिवाय मिस्टर रुशंबर मैं इस तूफान में फंस गया था। देखिए, आप लोग गलत समझ रहे, अगर कोई आपका पीछा कर रहा होगा तो उसे मालूम होगा कि आप यहाँ आए। अब एक बात मुझे जाननी है आप सभी से, आप में से किसका रिलेशन चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से है? देखिए, आप सभी को पूछताछ में सहयोग करना चाहिए, आप में से कोई बहुत बड़े खतरे में। और देखो, ठीक है, मैं एक लेकर पूछताछ कर लेता, क्योंकि आप यहां गलती से आए हैं, सबसे पहले आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपने जितना भी बताया मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम। और सर, आप मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है, मैंने अभी कहा मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है। और आप? जी, केस के बारे में अखबार में पढ़ा था, लेकिन उस टाइम मेरी पोस्टिंग लद्दाख में थी, इसके अलावा कुछ नहीं पता। और आप? जी, मैं बहुत छोटा था उस समय, ठीक से याद नहीं। किसी को और कुछ कहना है? ठीक है, लेकिन अगर आप में से किसी की हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। मिस्टर शेखर, क्या मैं पूरा कर देख सकता हूं? जी आइए। कमाल का पुलिस वाला है, नहीं सब कुछ कितना ड्रामेटिक है। अंदर तो सब कुछ ठीक है।
मैंने सब गौर कर लिया है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं इसकी सर को इन्फॉर्म कर लूंगा। आप में से किसी के फोन में नेटवर्क है? सर्वर काफी दिनों से डाउन है, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। कोई फायदा नहीं है, वो भी डेड है। ये कब हुआ? आपके जाने की 10 बार मेजर ने ट्राई किया था, मगर थोड़ी देर पहले तो चल रहा था। एसपी सर ने खुद बात की। आपको शायद उसी के बाद माइंड खराब हो गई हो। खराब हो गई या खराब कर दी गई? पर ऐसा कौन कर सकता है? आप अपने केस को कितना जानते? ज्यादा नहीं, लेकिन हो सकता है। अगर हमें कोई मारना चाहता है वो इस तूफान में आएगा कैसे? इस तूफान के कारण हम सेफ हैं। अगर वो यहाँ पहले से नहीं आया है तो पहले से क्यों नहीं हो सकता? ये सभी लोग का छाप पूरी तरह है, मतलब इससे मखीजा के मर्डर के कुछ ही घंटों बाद। लेकिन मिस्टर विशंबर के अलावा सभी ने एडवांस बुकिंग करवाई थी। ओ, तो ये सब कुछ पहले से ही प्लान था? सब कुछ। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अभी सिर्फ एक फोन हुआ है, वो गरीज रोड शिमला में। अब तो आपकी बातें मुझे कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है। मनगढ़ंत नहीं, हमारे पास सबूत है। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है वो आदमी दिखता कैसा है? गार्डन अंकल रेनकोट, चेहरा मफलर से ढका, मीडिया वाइट का। यहाँ दो रेनकोट है, वो आगे वाला मेरा है और पीछे वाला वेस्ट का। मुझे किचन में कुछ काम है। मिस्टर शेखर, क्या यहाँ कोई और टेलीफोन है? ये एक मेरे बेडरूम में है, जरा उसे चेक। देखिए, डर कैसे काम करता है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना और समझना होगा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि डर इंसान के दिमाग पर ही सबसे पहले असर डालता है। जरा सोचिए, एक भयानक तूफान में आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं, अंधेरा हो चुका है, तभी पीछे से एक आवाज आती है और आप उसकी हालत देखो तो, मिस्टर
एजेंसी नहीं लिया था, मिस्टर कोरवाल ने लिया, उन्होंने मुझसे बात छुपाई, आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। मिस्टर कोरवाल मर चुके हैं, अब अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो अपनी बारी आप किसी किसी एक की हो सकती है। एक और खून मगर चूं, क्योंकि वहां तीन चूहे थे, लेकिन इस जगह का चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। वो तो है मिस्टर शेखर, वो है। डेड बॉडी के पास मिली नोटबुक में दो एड्रेस लिखे थे, पहला रिच रोड शिमला, चार एक गलती मतलब एक चूहा, वो मर चुका है। अब यहाँ रोजवे गेस्ट हाउस में ज्यादा चांसेस है, तीसरा चूहा हमारे बीच ही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े दो लोग बाय चांस की जगह मौजूद हो? मिस्टर विशंबर, जिस तरह के हालात यहां बने हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जरा देखते हैं खून के वक्त बाकी सभी लोग कहां मौजूद। मिसेस रोज ने बताया कि वो किचन में, आप किचन से बाहर आए कॉरिडोर से ऊपर और तक पहुंचे, लाइट्स ऑफ, आपने लाइट्स ऑन करी और तभी आपकी नजर कोरवाल पे पड़ी और आप चिल्लाए। और बाकी सभी लोग अलग अलग तरफ से लगभग एक साथ आ गए। मिस्टर कोरवाल के मरने से पहले जब मैं बाहर निकला था, तब मिस्टर शेखर आप बेडरूम में टेलीफोन चेक करने गए, जब मिसेस रोज चिल्लाई तब आप था। मैं नहीं था, वहां का बंद गेट है, मैंने खिड़की खोल कर देखा कि तार कटा तो नहीं है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने खिड़की बंद की और तभी रोज चिल्लाई और मैं गैरेज से भाग गया। तुम क्या मुझे बता रहे हो? कूल डाउन राज, कूल डाउन। शांत हो जाओ।
यकीन तो मुझे किसी चीज पर नहीं, मुझे बस इतना पता है कि चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस में गिरफ्तार आदमी जो उसका मालिक था मारा जा चुका है, और वो आदमी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले कमीशन का हेड था वो भी मारा जा चुका है। फोन का तार भी काटा गया, नहीं फोन का तार जानबूझ कर काटा गया फ्रंट डोर के सामने। अब बस एक पॉसिबिलिटी, मेंटली एब्नॉर्मल, अजीब हरकतें, आदमी से भाग जाना, साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट, बस एक पॉसिबिलिटी है। समझती हूँ आपका शक राज पर है, पर कोई और भी तो हो सकता है। यस सर। ऐसा कोई जो अनाथ आश्रम से जुड़ा हुआ रहा हो और केस की कार्रवाई से संतुष्ट ना हो सकता है। अच्छा ये बताइए दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करने वाले के बारे में क्या, हो सकता है ये वही शख्स हो जो उस घटना से दुखी होकर दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया हो। हाँ हो सकता है, लेकिन अडॉप्ट करने वाले उस शख्स की जानकारी मिल पाना बहुत मुश्किल। मतलब आप लोगों को नहीं पता कि इस समय वो कहाँ होगा। जरा सोचिए उस शख्स को रोज वो बच्चा आग में तड़प रहे उन बच्चों की यात्रा सुनाता होगा, और यही सुनते सुनते उस शख्स ने ठान ली होगी कि केस में दाखिल वाले के लोगों को खुद सजा दे। मिसेस रोज ये सिर्फ एक कहानी है, पर ऐसा हो सकता है। हाँ कई संभावना में से एक संभावना ये भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो पूरी उम्र में बड़ा यानी बूढ़ा भी हो सकता है। हाँ याद है जब मैंने बोला कि पुलिस का फोन आया था मेजर डर गए थे परेशान हो गए थे। मेजर एक बूढ़ा रिटायर्ड सैनिक जो गुनहगार को बदलने से ज्यादा उसे खत्म करने में यकीन करता हो। हाँ ये सोच उनकी बातों में भी दर्ज है। मतलब शख्स सिर्फ राष्ट्रपति नहीं मेजर पर भी है। कोई और सजेशन? हाँ जो मैंने पहली बार पुलिस का जिक्र किया था विशंबर के हाथ से लौट छूट गई थी। विशंबर दिखने में जितनी उम्र का लगता है उससे कहीं ज्यादा है, अपने चलने के ढंग से अपनी ये छुपा रहा है। मिसेस रोज आप ये सब इसलिए तो नहीं कह रही ना ताकि मैं राज पर शक न करूं। वो कितना कमजोर है और परेशान भी है। आपकी बताई गई कहानी के अनुसार अडॉप्ट करने वाला शख्स आदमी के बजाय औरत भी हो सकता है, तो हो सकता है खून किसी औरत को। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? एक औरत चेहरे को मफलर से ढके हुए सर पे झुकी हुई टोपी बोलने की जगह फुसफुसा आपकी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तो उस दिन नहीं, अभी आप कुछ भी कहेंगे तो मैं उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकता, उसका कोई फायदा नहीं। चलिए बताइए कि आप अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहेंगे। शेखर क्या बकवास है? बकवास नहीं संभावना। आप अपने हस्बैंड को कितना जानते हैं? ये कैसा सवाल है, वो मेरा हस्बैंड है। आपकी शादी को कितना समय हुआ? एक साल। और आप मिले कहां से? शिमला की एक पार्टी में। उसके घर वालों का? उसके घर में कोई नहीं है, वो अनाथ है। तो इंटरेस्टिंग, ऐसे व्यक्ति को अनाथ बच्चों से ज्यादा संपत्ति हो सकती है मिसेस रोज। खैर छोड़िए, ये बताइए कि शिमला में जब मर्डर हुआ तब आपके पति कहां था? वो शिमला में था, फोन का जगह चंद्रगढ़ के लिए डीजल लाने का। शिमला और घबरा का देर शाम को। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है मिसेस रोज। आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझे खुद बोला था फोन का बिल जमा करने में देर होगी। मैंने कहा ना मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरे को आपके हस्बैंड कहिए ना। तुम्हारा हस्बैंड तो सबसे ज्यादा। तुम लोगों पर ध्यान मत दो। देखो राज
जा रहा। तुम आर्किटेक्ट नहीं हो, है ना? बोलो, जवाब दो मुझे। नहीं, लेकिन इससे हर कोई गुनहगार नहीं हो जाता। लेकिन अब सब लोग यहाँ साथ हैं और हम चाहे तो इसे ढूंढ सकते हैं।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, चाबी जैसी छोटी चीज खोजना इतना आसान नहीं, और वो भी तब जब उसे गायब किया गया। वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन अब मैं उसे एक और खून नहीं करने दूंगा किसी भी कीमत पर। फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि वो एक खूनी कौन है, लेकिन जल्दी मैं उसे ढूंढ लूंगा। बस आप सभी लोग मिस्टर कोरवा की तरह मुझसे कुछ न छुपाइए। आप सभी में से किसी एक की जान को खतरा, जो दो खून कर चुका है वो तीसरा भी कर सकता है। एक बार मैं आप सभी को बताऊं कि खूनी को इसमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। अब भी किसी को कुछ नहीं कहना, ठीक है? आप सभी लोग जा सकते हैं। चलिए हम किचन में चलकर देखते हैं बाकियों के लिए क्या बना सकते हैं। अच्छा रहेगा, मेरी वाइफ की मदद मैं खुद कर दूंगा। कमाल है, आपके हस्बैंड को आपकी चिंता, उसको मेरे खतरनाक होने का डर है, मुश्किल होने का नहीं। बेगुनाह होते हुए भी खुद को बेगुनाह साबित करना कितना मुश्किल होता है ना। पर दोषी अरे पर कितने कम आ गया ना। Three blind mice. उसने चूहों की पूंछ काट दी। खच 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 खच। अरे पर ऐसी चीजें तो अपनी बकवास बंद करो। चलो तुम्हें पता है तुमने क्या किया? हाँ बस एक छोटा सा मजाक, मैं अक्सर ऐसा करता रहता हूँ। इसे तुम छोटा मजाक कहते हो? ये घटिया बनता। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारी कार का तूफान में फंसना एक मजाक ही तो था। हाँ डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे? अपने एक दोस्त से मिलने। इसी इलाके? हाँ इसी इलाके में। और तुम वहाँ कहाँ से रहे थे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कहाँ? गोल्डन पैलेस होटल। तुम्हारा परमानेंट एड्रेस क्या है? मुझे परमानेंट चीजें नहीं पसंद। तुम्हें मजा आ रहा था? देखो ये मत भूलो कि तुम एक मर्डर केस का हिस्सा हो। ठीक है नहीं बोलूंगा। रुको बैठो इधर। ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त रहता कहां? क्या मैंने पूछा तुम्हारा दोस्त रहता कहां है? सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। लेकिन अभी भी तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए बहुत ही प्राइवेट बात है। अच्छा ये बताओ कि इस इलाके में तुम किसी और को जानते हो? नहीं। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने आए। ये मेरा पर्सनल मामला है। तुम मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय केवल बातों को घुमा रहे हो। तुम खुद को बहुत सवाल समझते हो? ये मत भूलो कि पुलिस वालों के पास और भी तरीके होते हैं। आप लोगों से भागी गई, आप लोगों का घर भी इस्तेमाल करेंगे, क्या करेगा हम? मेरे नामों को उखाएंगे या फिर मेरे पिछवाड़े को बेच मारेंगे। पुलिस ऐसे लोगों को थर्ड डिग्री नहीं दे सकती। तुम बस उसे परेशान कर रहे हो। आप ठीक है? आइए मालिक, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई भी जरूरत हो तो बुला लेना। यकीन नहीं हो क्या हुआ इंस्पेक्टर? ऐसा लगता है आपने कोई भूत देख लिया। हाँ मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे बहुत देर पहले ही देख लेना चाहिए। तो पुलिस को सुराग मिल गया? जी हाँ मिस्टर राज, सभी लोगों को यहाँ बुलाओ अभी। जी मेजर साहब, दिसंबर जी आ रहे हैं। अब क्या हो गया? कुछ खाने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी, जैसे मिस्टर कोरवाल जो कुछ नहीं खा सकते। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर, सॉरी पर ये जरूरी। इंस्पेक्टर साहब आपको चाबी मिली? नहीं पर मुझे पता चल गया है कि कौन नहीं। अभी इससे ज्यादा मैं आप सभी को कुछ नहीं बता सकता। जी बिल्कुल, कुछ भी बताने से पहले आपको आगे तक रुकना चाहिए। यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा है मिस्टर। खेले तो हो रहे इंस्पेक्टर, आप ये सब किसी के लिए बस एक खेल है। और आपने ही तो कहा था कि खूनी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। देखिए सभी लोग बैठ जाइए और ध्यान दीजिए। आप सभी को याद होगा कि मिस्टर कोरवाल के मरने के बाद आप सभी से पूछताछ की गई और आप सभी के स्टेटमेंट्स को नोट किया गया। आप सभी ने बताया मिसेस रोज किचन में, मिस्टर राज और मिस्टर शेखर अपने अपने बेडरूम में, विशंबर साहब ड्राइंग रूम में प्यार रखा और मेजर बेसमेंट। सही है, लेकिन ऐसा आप सभी लोगों ने मुझे बताया। अब इसमें चार लोग सच कह रहे हैं और एक झूठ, जो झूठ कह रहा है वही खूनी। जरूरी नहीं है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। पर मुझे विश्वास है
लेकिन आप ये पता कैसे करोगे उसी सिचुएशन को दोहराकर? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। जी हाँ, कितना अजीब तरीका है। और इससे पता क्या चलेगा? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, पर बस यही एक तरीका मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किचन में बिजी हूं। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सबको देखने लगता है कि आप सभी दोषी। देखिए ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है राज। मेजर साहब जी और आप विशंबर साहब। ठीक है तो मैं ड्रॉइंग रूम में जाकर मर्डर की सिग्नेचर वाली ट्यूब में आता हूँ। रुकिए यारो, आप जा सकते हो? Thank you.
उसी गांव लगाते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ देश से कुछ मेहमान आने वाले हैं, वो हमारे लिए ढेर सारी मिठाई है, आप भी आ जाओ, हम खूब मस्ती करेंगे। किसी हद तक की वजह मैंने तुम्हें पहचान लिया है। देखो वीर जो होना था वो
सब ठीक है, अब इससे किसी को कोई खतरा नहीं। सुनिए, पुलिस वाला ही था? हाँ, मुझे तो इस पे पहले से ही शक था, क्योंकि असली पुलिस वाला तो मैं हूं। जी हाँ, जैसे ही रिंग रोड पर हुए मर्डर के समय मुझे आपकी गेस्ट हाउस से जुड़े मिले, मैं असली मेजर से बात करके उनकी जगह आ गया, और जब ये पुलिस के रूप में आया तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने फोन करके पता भी करना था, लेकिन इसने तार पहले ही काट दिया। तो मिस्टर निशंबर अडॉप्टेड लड़का है जी, और ये इसकी अजीब हरकत की वजह से इसे पहचान पाया। इन्होंने अंदर ही मुझे सारी बात बता दी, और हाँ, फ्रंट डोर पर लॉक भी मैंने ही लगाया जिससे ये भाग ना पाए। Oh, yeah.